खत्म हुई 55 दिनों की तलाश, गिरफ्तार हुआ पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शाहजहां शेख को बीती रात 3 बजे सरबेरिया इलाके से गिरफ्तार कर सुबह करीब 5 बजे बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में बंद किया। सूत्रों के मुताबिक बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को आज ही कोर्ट में भी पेश कर सकती है। पहले शाहजहां शेख पर हाथ डालने से पुलिस डर रही थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए देर रात शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है। बता दें शाहजहां शेख संदेश खाली यूनिटी का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चाओं में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ही ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी कर रही है, लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया।